तो भाई क्या वेट पे रहेंगे आपके हिसाब से? ये 60-60 kg, 60-60 kg पे। तो कितने में देना है आपको ये 60-60 kg? ये हम दोनों 60,000 रुपये में दे देंगे। 60,000? अब वो ज़्यादा नहीं डिमांड कर रहे हैं। मार्केट ही टाइट है भाई, क्या करें, मार्केट टाइट है वो तो। सो हेलो एवरीवन, इट्स योर दानिश, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर्स ऑफ गली बी ओ जी। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? मैं होप करता हूँ आप लोग ठीक हो, और गाइस हम लोग भी ठीक है। और आज है सैटरडे लाइव अपडेट, जो है आज मार्केट लगती है आपको तो पता ही है। और ये है देवनार का लास्ट सैटरडे, इसके बाद देवनार पूरी तरीके से खुल जाएगा। और आज मेरे साथ आपको पता है अयान तो एज यूजल रहता है, आज अद्दू भी आया है साथ में। तो अद्दू, आज क्या देखने के लिए चीज़ मिलेगी? आज लास्ट सैटरडे तो हो सकता है कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लेके आए, एक्सपेक्टेशन लेके आए, पर मेरे को नहीं लगता है कि अपने को जो चाहिए वैसा कुछ यहाँ मिलेगा। अभी आज के दिन तो फिलहाल तलाश जा रही है ना, तलाश तो जा रही है इंशाल्लाह। और साथ में देख सकते हैं हमारा बिल्लू, क्या कुछ स्माइल देता है, कुछ बोल, सलाम कर, हाय हेलो, कुछ तो कर, अयान करता है जैसा। अयान भी ब्लॉगर है भाई, दूसरा ब्लॉगर है। तो चलो आज सैटरडे लाइव अपडेट लेते हैं, क्या है और क्या चीज़ आई है। और मेरे को तो देवनार देख के ऑलमोस्ट लग रहा है कि काम पूरा हो ही गया, शेड डल चुके, बस ताड़पत्री ऊपर डालना बाकी है। तो चलो मिलते हैं आगे वीडियो में। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग यहाँ पहले बाड़े में घुसे, और ये पहले बाड़े में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही दिख रहे। और ये बाड़ा वार्ड नंबर 2 गाला नंबर 4 है, और यहाँ पर थोड़े क्वालिटी बच्चे भी है। तो ये अभी बंद है यहाँ पर, क्योंकि इसका यहाँ पर कोई धनी नहीं दिख रहा है। उनसे पूछे तो उन्होंने बोले नहीं, हम लोग नहीं है। तो आप नज़र मार सकते हैं, बहुत सही बच्चे हैं यहाँ पे क्वालिटी के। और वो एंड में जो एक शीरो ही खड़ा है वो बहुत अच्छा है, एकदम एंड में खड़ा है। यहाँ आपको अगर विज़िट करना है तो वार्ड नंबर 2 गाला नंबर 4 में आके बच्चों को विज़िट कर सकते हैं। और अच्छे बच्चे आए हैं यहाँ पे। अभी बड़े के ऊपर चलते, चलो बड़े देखते, बड़े बकरे कैसे आए हैं अलहमदिल्ला। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जोड़ी का 40,000, ये दो दांत हैं कुर्बानी के लिए। ये दोनों दो दांत हैं कुर्बानी के लिए। अप्रॉक्सीमेटली वेट होगा 45 तक का दोनों का। ये 20 है थोड़ा, ये 19 है, और ये दोनों का 40 बोले, थोड़ा नेगोशिएबल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लास्ट टू लास्ट कितना नेगोशिएबल कर लोगे? कम से कम 40,000 बोल रहे दोनों। ये दोनों 38 में आएगी, 38 बस, एक एक हज़ार ही कम होगा, 38,000। अभी ये लास्ट सैटरडे, अभी आगे जो आएगा सैटरडे वो पूरी मार्केट लगेगी अलहमदिल्ला, तो वहाँ देखते। तो चलो अभी आगे और देखते कोई बड़े बकरे हैं कि नहीं। ये भी ठीक ठाक थे, अगर अच्छे से बार्गेन करके एक रेट में लेके जाओ तो ये बकरा नहीं भी बोल के 14-15 हज़ार में एक पड़ना चाहिए, क्या बोलता है? और ये वही रेंज का है, तो लास्ट प्लस 14.5, इसका 15 ठीक है, हाँ इसका 14-13.5 ठीक है, 13.5 ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस वहाँ पर हम लोग देख रहे थे बाड़े में, हम लोग को बकरे नहीं दिख रहे थे, हम लोग सोच रहे थे सैटरडे बकरे नहीं आए। और अभी आप देख सकते हैं ये ओवर भी हुए बकरों का पूरा, अलहमदिल्ला यहाँ पर आए थे सस्ती बकरे, और अंडुल भी मिक्स है। और आप देख सकते हैं सब कुर्बानी के बकरे सब अलहमदिल्ला। ये देखिए यहाँ से पूरे लाइन से लेके वहाँ तक पूरे पूरे कुर्बानी के बकरे, और यहाँ पर अच्छी खासी मंडी भरी पड़ी है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से शुरू करते हैं। अयान ये बराबर एक कुर्बानी का बकरा दिख रहा है, कुर्बानी के प्रॉपर, अलहमदिल्ला यहाँ से कुर्बानी के बकरे स्टार्ट हुए हैं बड़े बकरे, क्योंकि ये लास्ट सैटरडे लास्ट सैटरडे, अब इसके बाद तारीख है ना, आज 10 है, आज से 7 दिन गिन कितना हुआ, सैटरडे 17 वही 17 तक गाड़ी आ जाएगी, 18 से मंडी शुरू हुआ, बकरे छोड़ देंगे ना 17 से। तो ये आप देख सकते हैं, तो इनके प्राइस पूछते हैं अभी जरा धनी। तो गाइस ये बकरे का रेट है 26,000 सिंगल में, अगर जोड़ी में लेंगे तो 50,000। तो इसका इसका क्या बोल रहे हैं, इसका क्या बोल रहे हैं, इसका इसका हाँ ले लो 26,000। हाँ। और कुछ कम ज़्यादा भाई तुम बोलो ना, कितने का ले रहे हैं, आखिरी आखिरी कितने में छोड़ोगे ये बताओ, 25 का ले लो, बस 1,000, और कुछ कम नहीं गुंजाइश है भाई की, तो कर देंगे तुम बोलो ना, क्या बोलता है इसका, तुम बोलोगे जब ना यार, तुम बोलोगे 500 कम दूंगा, सोना नहीं होगी, हम क्या पागल थोड़ी है क्या 500 के लिए बिगाड़ेंगे सोना यार। नहीं नहीं यार पूछ रहे ना, वही देख सकते 25,000 से स्टार्टिंग, 26,000 से स्टार्टिंग, ये बकरे कम
अभी आगे बढ़ते आगे बात करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये एक सिंगल अंडूल खड़ा है। इसका क्या वो मांग रहे हैं? इसका क्या मांग रहे हैं? 40,000 कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा क्यों इसका? 40,000 वेट है ना, बड़ा है। कितना वेट रहेगा आपके साथ? भी बहुत ज्यादा है ना। कितना वेट रहेगा आपके हिसाब से जो आप 40,000 बोल रहे? 80 किलो है, 80 किलो ये बकरा उसका 40,000 बोल रहे। कम ज्यादा में कितना कम हो जाएगा फिर? 1,000 रुपये कम दे दो बस, 1,000 रुपये। अभी देवनार मंडी बाकी लगना तो इसीलिए इतना पहले ही दाम बढ़ा दिए। भाड़ा भी बढ़ा दिया ना मेरी तरफ। एक ऐसा रेट बोलो पब्लिक देख ले डायरेक्ट। 35,000 रुपये 35,000। हाँ इससे थोड़ा कम और आओगे? नहीं नहीं बस 35,000 रुपये अटक जाओगे। प्राइस देख सकते हैं ये अंडूल है। ये बोल रहे कि ये बच्चा जो है 80,000 का है, सॉरी 80 kg का है, बट मेरे हिसाब से 70-75 का है। 75 तो है लाइव, आप देख सकते हैं अगर किसी को समझता है। वार्ड नंबर 4-5 में गाला नंबर 2 के बाहर खड़ा है। 35,000 बोल रहे हैं, आप आके देख सकते हैं अगर आपको लाइव समझ में आता है। और चलो आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत अलहमदिल्ला ये लाइन में देख सकते हैं आप पूरे खस्सी बकरे। और ये खस्सी बकरों का वही प्राइस है 22,000 26,000 25,000। यहाँ पर पूरा लॉट आया है अलहमदिल्ला। और इसमें आज जैसे सैटरडे की मार्केट है तो बच्चे भी आए कुछ बड़े में। कुर्बानी का माल आना शुरू हो गया फाइनली, क्योंकि इतने पूरे लाइन से कभी मेरे को इतने बड़े बकरे नहीं दिखे कुर्बानी टाइप। तो आगे चल तो भाई यहाँ पे भी देख सकते हैं अलहमदिल्ला ये जो बकरा लगा अच्छा बकरा लगा अलहमदिल्ला, जो वेट में भी है और इसका प्राइस भी हम लोग को बहुत अच्छा है, वाजिब लगा प्राइस जो हमने मांगा इसका 26,000 मांगा है। नेगोशिएबल करेंगे तो इसमें भी कम ज़्यादा हो जाएगा। और जो उसके पीछे खड़ा उसका 35,000 मांगा है। तो ये देख सकते दोनों बकरे अगर जोड़ी में चाहिए तो 61,000। तो मंडी आ जाए यार, ज़्यादा उतरी हुई है या एकदम चढ़ी हुई है? तो मतलब जो मंडी का जो नॉर्मल जो हिसाब रहता है वैसी लग रही है मतलब एकदम। बट इसका वाजिब रेट मांगे ना 26,000 जो मांगे, नेगोशिएबल करेंगे क्या अलग मिलेगा? नेगोशिएबल में अगर 21-22,000 में आएगा तो बहुत अच्छा। बहुत सही बात, इतना तो कर ही लेंगे। अरे ये लाइन से देख सकते हैं आप, अभी हम लोग जितना भी चल के आए ये पूरा हम लोग ने कवर किए लाइन से। आप इसमें अंदर कुछ दोनों का 45 में सोल्ड हो गया, भाई ने ले ली। मैं आपका नाम? मेरा नाम आमिर। आमिर भाई कितना बोले थे आपको दोनों का? 61 बोले थे, 45 में फाइनल हो गया। अलहमदिल्ला कुर्बानी के लिए नहीं, मेरा फार्म है। अच्छा फार्म है, ऑलरेडी मैंने 15 बकरे ले चुके। अच्छा ये 17 में। फार्म किधर है आपका भाई? माहिम में, माहिम दरा। अलहमदिल्ला वहाँ तो हर कोई शौकीन है जानवरों का। ये 45,000 में दोनों डन हो गए 61 से। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सौदा है अगर आप बार्गेनिंग करवाओगे। क्या समझ में आ रहा है मालूम है? ये समझ में आ रहा है कि अगर तुम लेने आओगे ना तो व्यापारी टूटता भी है। चलो अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपडेट देते हैं। क्या बोलते हैं मेरी जान, क्या अफान भाई किधर है? जिशान भाई आ रहे तैयारी पे सब। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छे बकरे, जैसे जिसको बजट बकरे चाहिए वैसे भी आ चुके हैं अलहमदिल्ला देवनार में। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलहमदिल्ला बहुत अच्छे बकरे खड़े और बड़े हैवी में बकरे, ये जो बैठा है और एक ये जो है बहुत अच्छे लगे। तो इनका प्राइस जानते क्या है? और इनका प्राइस मेरे को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो भाई बताएंगे प्राइस अभी क्या है इनका। अरे 85 अबव है, 101%। बच्चे ले जाओ। कितना मांग रहे इसका? इसका हाँ 75,000। हाँ 75,000 75,000। और ये ब्राउन वाले का 70,000। इसका भी 75 70 सॉरी। और ये दोनों का ये ले जाओ 80,000। 80,000 में जोड़ी। तो यहाँ पे देख सकते जोड़ी का ये 80,000 बोल रहे। और अगर कम ज़्यादा कुछ करेंगे लेंगे तो हो जाएगा अलहमदिल्ला। बोलो आप, बोलो ना तुम। आखिरी आप ये जोड़ी कितने में छोड़ोगे? ये सिंगल बोलो, आप बोलो, हम तो बोल लिया। आपका एक दाम रहेगा ना आखिरी में, को इतने में छोड़ना है। तुम बोलो, हम तो बोल दिया 80,000, इसको बोल दिया 75, बोल दिया ये दोनों का 50। नहीं हमारे वास्ते ले जाना, ये एक ही दाम है। हाँ मैंने बोला 80, आप दे दो दोनों।
तो कितना बोल रहे फिर आप आखिरी कितना बोल रहे? वही मैं पूछ रहा हूँ ना, आखिरी तुम्हारा क्या रेट है? फिर मैं इसे दोनों का, हाँ दोनों का आखिरी बात है भैया, तुम कितना? 70,000 रुपये लगे। 70,000 रुपये आखिरी का बोल रहे। थोड़ा इनका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे। और इसका 75 और उसका 70, जिसका 70 लास्ट दोनों के जोड़ी का। अलहमदिल्ला बकरे बहुत अच्छे और ये तो बहुत ही माशाल्लाह हैवी वेट पे 85 अबाव है, वो भी 80 प्लस। और ये दो दोनों बकरे ये नहीं भी बोल के 70 क्रॉस है दोनों, तो आप देख सकते हैं। और भाई को देख लीजिए, अगर आपको बकरे पसंद आ रहे तो अलहमदिल्ला। अभी ये ईद के लिए भी आप बकरे लाओगे? ईद के लिए, ईद के लिए भी बकरे लाएंगे। ये भी इनका ये इतने ही बकरे हैं। और वो जो सिंगल खड़ा है वो भी आपका? क्या बोल रहे इसका ये बच्चे का, अंडल बच्चे का, वो छोटा कितना रहेगा इसका प्राइस? 35,000 लास्ट फाइनल है या कुछ कम हो जाएगा उसमें? बोलो हाँ बोलो, कितने दांत पे? 18,000। दो दांत है, चार दांत थे, चार चार दांत पे अलहमदिल्ला, चार दांत पे 35,000 बोलो। इसका 35,000 बोले, आगे देखते हैं। तो चलो, और हेलो, तो आज हम लोग आए थे दिनार में, ऐसा एक्सपेक्ट किए थे कि काफ़ी तादाद में बकरे देखने को मिलेंगे, पर बकरे उतने आज उतरे है नहीं। हो सकता है आखिरी सैटरडे, इस वजह से लोग अपने जो लॉट है वो खाली करके जा रहे, और जो गाड़ियाँ आएगी उन लोग भरेंगे अपना लॉट, इस वजह से हो सकता है। देखो अभी खाली बच्चे हैं देखने के लिए, बड़े बकरे मिले हैं एक खाली, तो वो ये यहाँ पर मिले हुए। भाई का रेट भी अच्छा है, ये फैन फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग भाई का रेट भी अच्छा है, बकरे भी अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छी हाइट पे है, बॉडी वेट भी अच्छा है। और इनका नंबर है, इनको दिखा, इनका नंबर है देखो, 9358 9358 496 496 273 273। तो ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आपको अगर चाहिए तो भाई को कांटेक्ट कर सकता है। ये जो दो बकरे देख रहे हैं आप, लास्ट 70 में देना है, ये 70 जोड़ी में ना, 35,000 बोल रहे। ये 75 इसका भी नेगोशिएबल हो जाएगा अलहमदिल्ला। और ये जो बकरा दिख रहा है आपको, इसका भी, इसका 70,000 बोल रहे। बकरे वीडियो में समझ में नहीं आएंगे, पर बकरे माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े बकरे हैं। 85-90 kg का बकरा है ये, और हाइट में भी होगा 39 का ये। और दूसरा वाला ये कसावा दिख रहा है एकदम, ये सिरोही जो है, इसका 70,000 बोल रहे। 70,000 रुपये सिंगल का, नेगोशिएबल है इसमें भी अलहमदिल्ला, अच्छा खासा ठीक है चीज़ तो माशाल्लाह। 80 बोले थे लास्ट, उन्होंने 70 कर दिए, अब बोल रहे थोड़ा और, जब जो लेने आएगा उस हिसाब से बात होगी। भाई को कांटेक्ट करो, जिन लोगों को भी बकरे पसंद आ रहे, बकरे अच्छे हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। ये इनका नाम है आकिब भाई, और ये मोइन गोट फार्म के ओनर है अलहमदिल्ला। इनकी वीडियोस भी आप देखते रहेंगे यूट्यूब पे। तो अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरे को ये जानना है, अभी जैसे देवनार में मैं घुसा, वीडियो बनाने के लिए ना बहुत मचमच चल रहा है, तो वो क्या सीन है आपके? आप तो आते रहते हैं अलहमदिल्ला, आपको तो नॉलेज रहेगी क्योंकि आप भी इनसे ही रिलेटेड जानते हो सब। जी जी, अभी इसमें ऐसा है कि कुछ लोगों ने, यहाँ के बड़े वालों ने बताया कि बड़े फार्म वालों ने कुछ कंप्लेंट दिए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि पुलिस वाले बात कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे अफवाह फैल रही है उस रिगार्डिंग, मुझे तो पता नहीं है, तो लोगों की सुनी सुनाई बातें। तो आपको क्या लगता है, ये सुनी सुनाई बात सही भी हो सकती है कि गलत है? जो अल्लाह वाला बंदा और उसका रसूल बेहतर जानता है, वो भी तो उसमें हम तुम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 10 लोगों के 10 मुंह हैं, और क्योंकि 10 दिन में देवनार चालू हो गया। अब जब ये लोग बकरे उठा के लेके जा रहे, तो फिर हम खरीदारी कैसे करेंगे बकरों की, सब जो कुर्बानी के लिए ले जाएंगे इंशाल्लाह। वैसा तो नहीं, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो काफी सारा माल अभी बाकी है, बहुत आया है किसी का कुछ पसंद। गाइस देख सकते हैं, जो शेड का काम था ऑलमोस्ट ही खत्म होने आया, लास्ट उस पर पूरा शेड डल चुका है, और बस यहाँ पे शेड बाकी है। पूरा देख सकते हैं आपने, चारों तरफ फाउंडेशन पूरा रेडी हो चुका है, इन लोग बस ऊपर तार पत्री डालना बाकी। तो अद्दू क्या बोलते हैं, आज बकरे देखने मिले जैसे एक्सपेक्ट किए थे अपने? जैसे एक्सपेक्ट किए थे वैसे तो देखने नहीं मिले, और जिनके पास थे, जिनके पास बकरे अच्छे बड़े थे देखने लायक, वो अपन दिखा नहीं पाए, क्योंकि एक रीजन है, उन लोग ने बताया कि कुछ उन लोगों के साथ शॉर्ट हो रहा है, थोड़ा सा मसला हो गया, थोड़ा सा मसला यहाँ बकरे, मतलब ईद से पहले, मतलब बड़े बकरे कुर्बानी के दिख रहे, तो कुछ ले गए 2-3 लोग के, तो वो लोग खुद ही जो बोलते थे बनाओ, सुफियान भाई हो गए, जैसे बशीर भाई हो गए, वो लोग बोलते तो खुद ही वीडियो बनाओ के सामने से दावत देते थे, बट ये बार उन्होंने खुद सामने से मना किया, भाई ये बार नहीं बनाओ, इंशाल्लाह जो भी कुर्बानी का वक्त रहेगा जब आप लोग बना लेना। भाई हमेशा तुमने देखे किसी पनौती को लाते ना जब ये चीज़ होती है, तो पनौती है अपने।
वन एंड ओनली, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पनौती से भरा हुआ इंसान। एक वीडियो और है गाइस, मैंने डाला नहीं अभी तक, वो भी डालूंगा, आप रिलेट करना बस। आयन क्या बोलना चाहेगा इसके बारे में? क्या बोलूं भाई, ये बात ना बस इसीलिए हर जगह ले जाते भाई ये करके है तो, वरना पनौती हाँ। ये सैटरडे तक पूरा सेट हो जाएगा, शेड का काम पूरा खत्म हो जाएगा, और ऑलमोस्ट ये सैटरडे और जो अगले सैटरडे रहेगा अलहमदुल्ला। और पहाड़े भी आ गए, ये बार पानी का काम बहुत अच्छा किया कि बारिश में पानी भरेगा, तो ये भी देखते भाई अपनी बारिश को रोक पाएगा कि नहीं। कहना असल में ना ये साइड पे डालना चाहिए था क्योंकि पानी इधर से ऐसा गिरेगा, इस पे थोड़ी आएगा, दोनों साइड रहेगा ना, देखो ना वैसा वो दोनों तरफ पानी दो। तो चलो चलते, और इसको देखो कितनी मस्ती चढ़ी हुई पहाड़ों से, एक आदमी दे दिया ना काम भारी। तो गाइस देख सकते हैं अलहमदुल्ला एक सिंगल बकरा खड़ा है, बहुत प्यारा लगा है और बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका जो कोट कर रहे हैं वो 30,000 कोट कर रहे हैं भाई, कुछ नेगोशिएबल है 30,000 में भी भाई, एकदम स्लाइटली नेगोशिएबल है। और चीज़ तो बहुत प्यारी है और सीन सिक्के में भी बहुत अच्छा है। कितने दाँत कर चुका है अलहमदिल्ला, लेकिन चीज़ बहुत प्यारी है, लेंथ देख लो इसके, फ्रेम देख लो, बहुत सही है। 30,000 में नेगोशिएबल है, यहाँ पे भाई बैठे हैं अलहमदिल्ला, आप देख सकते हैं। तो भाई आप पे एक बार नंबर बोल सकते हो तो कैसा रहेगा ना, अभी आप यहाँ से थोड़े टाइम में चले जाओगे अलहमदिल्ला, तो आप किसी को समझ में आया तो आपसे कोई भी कॉन्टेक्ट कर लो। 9773837 भाई आपका नाम? इमरान भाई। इमरान भाई का बकरा है ये भाई, लेकिन ये नस्ल कौन सी है, क्रॉस है ये? ये जोधपुर का एक गांव है बहुत अंदर। अच्छा, उसमें अभी लिमिटेड एक नस्ल चालू है, हाका करके। हाका। ये अभी होगी, शुरुआत होगी अलहमदिल्ला, अभी बहुत लिमिटेड है। हाका भागम भाग पिक्चर की याद आ गई। हाका पानी अलहमदिल्ला देख सकते हैं, 30,000 बोल रहे हैं। आप आके भाई का नंबर भी देगा, कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इमरान भाई का। तो चलो आगे। सो गाइस देख सकते हैं ये बकरे अलहमदिल्ला बहुत अच्छे, और ये बहुत सही फ्रेम में एकदम भरा हुआ बच्चे दोनों। तो भाई क्या वेट पे रहेंगे आपके हिसाब से? ये 60-60 kg पे। तो कितने में देना है आपको ये 60-60 kg? ये हम दोनों 60,000 रुपये में दे देंगे। 60,000? अब वो ज़्यादा नहीं डिमांड कर रहे हैं। मार्केट ही टाइट है अलहमदिल्ला, क्योंकि अभी तक आपको मालूम है कुर्बानी के लिए बकरे आने वाले हैं, और ये अभी का रेट है भाई, आगे का फिर माहौल को कुछ बता नहीं सकते भाई। भाई अभी इनके इतना हम लोग भी घूम रहे, लेकिन अब जो रेट सुनाई दे रहा है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये 60,000 बोल रहे हैं, 60-60 kg पे भी बकरे, हाँ, लेकिन ये है कि भरे हुए बच्चे एकदम बहुत प्यारे बच्चे। दो दांत जो ये अंडुल जो खड़ा है ये भी आपका खस्सी है? अरे बो कर रहा था तो मैं डर गया। अच्छा लेट पंच है ये? प्योर खस्सी है। हाँ, अलग ही अलग चीज़ें देखने मिल जाती है देवनार में, प्योर खस्सी बोल रहे, लेकिन गरम जो है वो देख सकते हैं आप। इसका क्या मांग रहे भाई? 32,000। 62,000 का यहाँ। अच्छा कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, क्यों आपने 60 और एकदम स्लाइटली नेगोशिएबल। आप एक बार अपना नंबर बोल देंगे? 8108 8108 9790 9790 9898। और ये भी 16 तारीख के बाद पर डे कांदीवली में अपना पर डे बकरे की गाड़ी उतरेगी। पर डे कांदीवली में हर गाड़ी एक एक दिन में गाड़ी, इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करके वीडियो बना लेंगे। 800,000 बकरे तो और अच्छा, हम लोग को भी कंटेंट मिलेगा और बहुत वाजिब रखेंगे इंशाल्लाह। चलो देवनार से गांधीवली वेस्ट में गणेश नगर, तो इसका 32,000 बोल रहे हैं अलहमदुल्ला, नेगोशिएबल हो जाएगा स्लाइटली। और आगे देखते थोड़े बकरे, और ये भी खस्सी है, वो अंडुल नहीं है अलहमदुल्ला। ये और बकरे देख सकते हैं, मंडी बहुत टाइट चल रही गाइस, बहुत ज़्यादा। चलो आगे बढ़ो गाइस, ये देख सकते हैं माशाल्लाह एक और अंडुल अच्छा बकरा दिख रहा है, और वेट रहेगा इसका नहीं भी बोल के 60-65 kg के ऊपर, बहुत प्यारी चीज़ है अंडुल में गरा। कितना बोल रहे खालू इसका? 30,000। तो ये एक ही बकरा है कि और भी आपके बकरे? ये एक ही है बड़ा, बाकी सब निकल गए। तो ये लास्ट बकरा इनका बचा हुआ है, 30,000 बोल रहे, बहुत सही लग रहा है। और अंडुल है गुजरी में, तो चलो आगे चलते, 30,000 बोलते, कुछ कम हो जाएगा इसमें? कितना आखिरी था आखिरी, कितना बोल दो? 25 में मिल जाएगा ये?
25 में हो जाएगा खालू ये आखिरी कितना लेंगे क्या मैं नहीं अरे यार लेंगे भी ना भाई आप अपने लिए भी अपन बकरे देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो समझ में आया जैसे अभी मैं इसके चीज़ भी तो अच्छी है ना फिर हाँ वो तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ भी अच्छी है मैं खुद वीडियो भी बनाता हूँ इसीलिए मैं आपको पूछा ना वीडियो बन तो 25 में नहीं हो पाएगा आखिरी कितना आपका 28 का ले लो 28 लास्ट है चीज़ तो अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह अंडुल में जैसा चाहिए रहता है अपने को चलो फिर इंशाल्लाह देखते आगे इनसे भी बात करते थोड़ी सी फिर आगे देखते सो गाइस ये थी सैटरडे मार्केट की लाइव अपडेट और हम लोग जितना एक्सपेक्ट करके आए थे कि ये सैटरडे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी और आपको भी ये चीज़ें देखने मिलती थी उतनी हम लोग को नहीं मिली उस चीज़ का हम लोग को भी अब की बार अच्छा नहीं लगा और जो देखने मिली वो एज़ यूजुअली थी और आपको अगर वो चीज़ें पसंद आ रही रहेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आके देख सकते हैं नंबर भी हम लोग ने बहुत जिन का लिया ये बार तो सौदा कर सकते आप और अड्डू की एक्सपेक्टेशन तो आपको पता ही है और बिल्लू को अरे चलना अभी इधर देख तो बिल्लू को भी कैसा लगा बिल्लू आज अच्छा लगा बकरे इतने थे नहीं और अच्छा और कितने लोग ने उन्हें बनाने नहीं दिए वीडियो तो बहुत लोग ने नहीं बनाने दिए भाई पर यार तुम्हारा सौदा अच्छा हुआ भाई वो 25 में रेडी हो गए चाचा चीचा रेडी हो गए थे उनको पैसे देने पड़ते हैं हाँ 25,000 हम लोग जो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोग ने 30,000 बोले उनको और वो मैं 25,000 बोला तो चाचा एकदम भी हो गए हो चाचा बाद में ये भी बोले गद्दारी कर पे गद्दारी कर पे तो अयान का कहता है आज का अयान कैसे पूछते हैं अयान क्या था आज का वही नॉर्मली मार्केट थी इतना कोई आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन नहीं थी मार्केट में बट तू तो एक्सपेक्टेशन लेके आया था ना ये सैटरडे अल्हम्दुलिल्लाह देखने मिलेगी चीज जैसे हाँ मतलब कि कुछ तो मिल जाएगा देखने के लिए एक दो भाड़े में जो रहता है और रेट जो चल रहा है रेट तो हाई है अब कोई कोई कर रहा भी है नेगोशिएशन भी हो रहा है अब जैसे ये चाचा को 30,000 रुपये का भी उन्होंने अच्छा बकरा बोल रहे थे कोट कर रहे थे उनको 25 बोले तो 25 में भी मान गए मतलब टूट भी रहे जो बेचना है वो टूट रहा है और जो 61 बोला था और उन लोग ने 45 में एक नंबर सौदा हुआ उन लोग का भी अच्छे बकरे लेते ओ बकरे मतलब हैं जब लेने आओ नेगोशिएबल करो तो आपको मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह और आपको तो पता है अभी देना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग की 10 दिन की जो मेहनत रहेगी आप ही लोग के लिए रहेगी तो आपको पता है उसके लिए आपको क्या करना है आपको वीडियोस आनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो वीडियो को लाइक करते रहो शेयर करते रहो और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो जितने ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम लोग को उतनी खुशी होगी और हम लोग और उतनी मेहनत से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में चलो बाय।